बिहार सरकार ने राज्य में बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में लॉकडाउन न लगाने का फैसला लिया है। हालांकि कुछ चीजों पर सख्ती को बढ़ा दिया है। इसकी जानकारी विकास आयुक्त आमिर सुबहानी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। उन्होंने बताया कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सुबहानी ने कहा कि कोरोना संक्रमण से मरने वालों की अंत्योष्टि राज्य सरकार अपने खर्चे पर करवाएगी। जहां कोरोना के ज्यादा केस मिलेंगे वहां कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन इलाके में दवा और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं पूरे राज्य में धारा 144 लागू की जाएगी, यानी एक जगह पर 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि पूरे बिहार में धारा 144 लागू रहेगी। शाम 4 बजे ही दुकानें बंद कर दी जाएंगी। कोरोना जांच की संख्या बढ़ाई जाएगी। सारे वेंटिलेटर्स को चालू किया जाएगा। जागरूकता के लिए माइक से प्रचार किया जाएगा। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।